रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद ईमान। आज मैं जो आपको पकाने सिखाने जा रही हूँ वो है आलू का भुरता। हर घर में आलू पकते हैं, आलू हर तरीके से पकते हैं, सो ये मेरे घर की फेवरेट डिश है। और मैं जो आज आपको सिखाने जा रही हूँ वो जिस तरह से मेरे घर में आलू का भरता बनता है, मैं उसी तरह से आपको आज सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो नोट कर लें। प्याज बारीक स्लाइस की भी एटलीस्ट आपको 4 से 5 चाहिए होंगी। इसमें मसाले जो जाएंगे वो है पिसा हुआ जीरा 1/2 चम्मच, करी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर हसब ज़रूरत या आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी पाउडर 1 पिंच, सफ़ेद पिसी हुई मिर्च यानी वाइट पेपर पाउडर 1/2 चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत। इसके अलावा हमें चाहिए होगा साबुत ज़ीरा 1 चम्मच के करीब और चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच या जो आपका टेस्ट है, आप जितना मिर्च खाते हैं घर में उसके हिसाब से। इसके अलावा हमें कसूरी मेथी भी चाहिए होगी थोड़ी सी, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप यूज़ करें तो इससे जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा टमाटर जाएंगे, ये छोटे छोटे टमाटर थे तो तकरीबन ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इनको चॉप करके मैंने बारीक चॉप करके रख दिया है। मैं आपको एक और तरीका भी आगे जाके बताऊंगी जिससे आप टमाटर प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एक बोल के करीब मेरे पास उबले हुए मैश्ड पटेटोज हैं, ये मीडियम साइज़ के 5 पटेटोज हैं। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा मिर्चें, इसमें मैंने 2 बड़ी मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी मिर्च को मैंने काट लिया है और 3 अदद मैंने छोटी मिर्चें ली हुई हैं। इसके अलावा मैं उसके ऊपर धनिया और पुदीना भी डालूंगी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन एक पैन में मैंने तेल गरम करने रख दिया है, ये तकरीबन 1/4 के करीब तेल है जिसको मैंने अब गरम करने रख दिया है। जैसे ही ये तेल गरम होगा हम इसमें प्याज और दूसरे मसाले ग्रेजुअली डालेंगे, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा तेल गरम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेल गरम ना हो, और इसका स्टोव की जो आँच है वो दरमियान ही कर दीजिए, मीडियम आँच पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना गरम हो, बहुत ज़्यादा ना आँच हल्की हो, फ्लेम बिल्कुल दरमियाना होना चाहिए। और देखिए मैं ये सारे प्याज इसमें डाल रही हूँ। प्याज डालकर स्टोव का फ्लेम थोड़ा बड़ा कर दें ताकि थोड़ी प्याज सॉटे हो जाए। हमें इस प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करना, हमें इसे सिर्फ और सिर्फ सॉटे करना है। तब तक सॉटे करना है जब तक इसका कलर थोड़ा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, यानी ये थोड़ी पिंक सी ना हो जाए, इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ध्यान रहे इसे ब्राउन नहीं करना।
थोड़ी सी प्याज हमने पकानी है इसे, तब तक जब तक इसका थोड़ा रंग ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए, यानी ये थोड़ी नरम ना हो जाए। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लेगी, 5 से 7 मिनट के बीच में ये आपकी प्याज जो है वो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करना शुरू कर देगी और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही ये प्याज सॉफ्ट हो जाती है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस स्टेज पे हमें प्याज चाहिए और उसमें फिर आगे क्या मसाले डालने हैं। जी देखिए, ये हमारी प्याज तकरीबन होने आई है, ऑलमोस्ट हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं ये पिंक होने शुरू हो गई है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। और इसको हम बस 1-2 मिनट और मज़ीद फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। हमें आलू के भरते में, जब भी हम आलू का भरता बनाएं, हमें एहतियात करना चाहिए कि हमारी प्याज ज़्यादा लाल ना हो या ओवर कुक ना हो, बिल्कुल पिंक सा कलर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने लगता है प्याज और ये लाल होने शुरू हो उससे पहले, तो ये वो वाली स्टेज है। अच्छा जी देखें, ये इस तरह प्याज हो चुकी है मेरी सॉफ्ट और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ साबुत जीरा और चिली फ्लेक्स। ये डालकर हम इसे सॉटे करेंगे। अच्छे से इसे सॉटे करना है जब तक जीरा क्रैकल ना हो जाए, जीरे में से वो आवाज ना आए। जब जीरा फ्राई होता है तो एक आवाज आती है कड़कड़ाने की, वैसा ना होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें हमारे दूसरे मसाले डालेंगे। अच्छा जी, अब ये जो सारे सूखे मसाले थे जो मैंने आपको बताया था, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक, ज़ीरा पिसा हुआ, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और करी पाउडर, ये मैं सब डाल दूँगी इसमें। अब आता है स्टेज जहाँ हमने इन मसालों को अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने का मतलब है बहुत ही अच्छे से भूनना है। जब हमेशा याद रखिए, जब आप कोई भी डिश बनाते हो उसमें मसाले जब तक आप अच्छे से नहीं भूनेंगे और उस खाने में अच्छा जायका नहीं आएगा। चाहे आप घर के पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करें या बाहर के, जो ट्रिक है ना खानों को बहुत ही जायकेदार बनाने की, वो यही है कि मसालों को अच्छे से फ्राई होना चाहिए, भुना हुआ होना चाहिए। भुने हुए का मतलब ये नहीं होता कि हम हंडिया में मसाला डाल दें और जी तेज फ्लेम पे बस छोड़ दिया हमने, जब तक घी ऊपर नहीं आता तब तक 1-2 बार मैक्सिमम हल्के हल्का थोड़ा चला लिया और छोड़ दिया, ना ऐसे नहीं हो सकता। इसको कॉन्स्टेंटली मुसलसल फ्राई करते रहें, एहतियात के साथ फ्राई करें, आँच बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, धीमी हो, और इसको मुसलसल चलाते हुए फ्राई करेंगे तो
आपका मसाला कभी भी नहीं जलेगा और बहुत ज़्यादा जायकेदार खाना तैयार होगा। ये मेरा मसाला, अभी देख रहे हैं आप कि अभी भी मेरा मसाला भुन रहा है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 चम्मच पानी और मैं इसे फ्राई करूंगी मसाले को। मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक वो साइडों से तेल ना छोड़ दे मसाला। आप सारे जब भी खाना पकाने लगे, मेरा मशवरा यही है कि आप जो भी सब्जी या मसाले या जो भी इंग्रेडिएंट्स उस पर्टिकुलर डिश के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो चाहिए होती हैं आपको, जो भी डिश जो भी इंग्रेडिएंट्स एक डिश पकाने के लिए, उनको पहले से तैयार करके रख दें। खाना चूल्हे पे आप डालें उससे पहले, यू नो, इससे क्या होता है कि आप जब चूल्हे पे पकाने लगते हैं तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता और चीज़ें बिल्कुल आपके पास होती हैं, तो उससे खाना जलने का डर भी नहीं रहता और वो बहुत ही आसानी से फटाफट खाना बन के तैयार भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, ये देखें, ये साइडों से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर डालकर हम इतना भुनेंगे इसे जब तक ये टमाटर उसमें बिल्कुल घल नहीं जाते, यानी टमाटर डिसॉल्व नहीं हो जाते। ये मैंने टमाटरों को इसमें मिला दिया है। और मैं अच्छे से इनको मिलाकर धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ दूंगी। तब तक जब तक ये टमाटर गल ना जाए। अच्छा जी, ये देखिए, अब मेरा अब मेरे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी आप टमाटर को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो मैंने टमाटर डाले थे इस डिश में, या मैं जो भी डिश पकाती हूँ, मैं टमाटर चॉप करके पहले से धोकर चॉप करके इनके पैकेट्स बना लेती हूँ और मैं वो पैकेट्स फ्रीज कर देती हूँ। तो मेरे टमाटर जब भी मुझे ज़रूरत होती है खानों में टमाटर डालने की, वो मैं एक पैकेट निकाला, उसको मैंने बोल में डाला, वो थो हो जाता है गर्मियों में अच्छे से, और फिर आप डाल दें और बहुत जल्द ये खाने में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं। देखिए, हम पता ही नहीं चलता ना, इसकी स्किन रहती है ना, वो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि थोड़े टमाटर गल गए जी पर थोड़े रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपकी कोई भी टमाटर ज़ाया भी नहीं जाते, बिकॉज़ फ्रिज में अमूमन यही होता है कि टमाटर पड़े रहते हैं और
जिनके घर में अगर खाना बच जाए या वो दो दिन का खाना एक साथ बना लेती हैं, जो वर्किंग वीमेन हैं मोस्टली, वो शायद घर में कभी कभार रोज़ाना के हिसाब से खाना ना पका सकें, तो यू नो वो एक हफ्ते की ग्रोसरी भी करके आती है तो वो टमाटर बच जाए फ्रिज में पड़े रहते हैं और एंड में वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें आपका कोई टमाटर वेस्ट नहीं होता और आपकी डिश में टेस्ट में उसके कोई फ़र्क नहीं आता और टमाटर भी अच्छे से गल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। ये टमाटर मेरे गल चुके हैं, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ आलू। उबले हुए मैश किए हुए आलू हैं ये, तकरीबन 5 के करीब मैश किए हुए दरमियाने साइज़ के आलू हैं जो मैंने बॉईल करके मैश करके रखे थे। अब मैं इसे इस डिश में मिला रही हूँ। ये जो आलूओं का भरता है इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता, ना के बराबर पानी जाता है। यानी वो ही पानी ये जाता है इसमें जो टमाटरों से निकला हो, या आपने जो बघार करते वक्त 2 चम्मच के करीब पानी जो डाला था मसालों को भूनने में उसी से। ये टमाटर अच्छे से मिल चुके हैं मसालों में, अब मैं इसे धीमी आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ताकि सारा मसाला अच्छे से टमाटरों में चला जाए, आलूओं में चला जाए, आई एम सॉरी, और हमारी डिश तकरीबन तैयार है। ये मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, चले देखिए हमारे आलू की क्या पोजीशन है। ये देखिए आलू अच्छे से मिल चुका है प्याज में, टमाटर और मसालों में, और ये बिल्कुल रेडी है। अब एक फाइनल स्टेप है, इससे पहले कि हम अपनी डिश को डिश आउट करें, वो ये कि ये जो कसूरी मेथी थी हमने थोड़ी सी ली थी, उसको आप अपने हाथों में लें, इसको यूं अच्छे से रगड़ें और फिर इसे मिला दें हमारी डिश में। याद रहे फ्लेम बिल्कुल ही धीमा होना चाहिए और ये कसूरी मेथी को अच्छे से मिला ले आलू के भरते में। आलू के भरते की जब ये तैयार हो जाएगा उसकी ये निशानी है कि वो सारा यकजा हो जाता है, वो छोड़ देता है पैन को और आलू कहीं से पैन में नहीं लगते। बिल्कुल साइड देखें आप, मेरे पैन की बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसका मतलब है हमारे आलू बिल्कुल तैयार है। ये मैंने कसूरी मेथी अच्छे से मिला ली है, आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ सारा आलू का भरता, और सिर्फ इसकी गार्निशिंग करनी बाकी रह गई है एंड हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं धनिया और पुदीना जो मैंने बारीक काटा हुआ है, ये डाल दिया,
इसके अलावा इसमें जाएगी दो कटी हुई मिर्चें स्लिट की हुई, उसको बस। ये सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए है, जायका तो इसमें भरपूर है, ये एक्स्ट्रा खुशबू देगा। जैसे ही आपने डिश फ्लेम ऑफ किया, आप ये सब डिश आउट कर लें और उसे गार्निश करें और 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसे रख दें। इससे क्या होगा कि जितनी भी मिर्चें, धनिया, पुदीना, जो हमने हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए डाली हैं, उन सब की खुशबू, उन सब का फ्लेवर इस गरम आलू के भरते में आ जाएगा। और जब आप सर्व करने के लिए खोलेंगे ना, तो एक बेहतरीन खुशबू और जायका देगा। ये खुशबू याद रखिए, खाने से पहले जो खाने की खुशबू है वो इंसान को खाने की तरफ माइल करती है। इंसान पहले जब डिश की खुशबू होती है तो वो उससे उसकी भूख भी बढ़ती है और इसका दिल भी चाहता है। जितना हम अच्छे से इसे डिश को कुक करें, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। ये देखें, इसमें फॉग आ गई है, इसका मतलब ये तैयार है। अब आप इससे चाहिए तो रोटी के साथ या नान के साथ सर्व करें, और इसको अचार वगैरह भी इसके साथ सर्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की, आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अब मैं मिलूँगी आपसे एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।